अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी चाबी उठाओ। अरे हाँ हाँ सिंचन उठा ली, बस चल रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलते हैं, आज तो घूमेंगे मजा आ जाएगी। अरे हाँ हाँ बस चल ही रहे, टेंशन मत ले। ओ फ्रैंकलिन भैया जल्दी चले क्या? अरे बंदर जल्दी चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, वैसे भी लेट हो रहे हैं। अरे हाँ हाँ चल रहे हैं, टेंशन मत लो। ओ फ्रैंकलिन भैया टेंशन तो बहुत है आजकल मुझे। अरे तुझे किस बात की टेंशन हो रही है, इतना सा तो तू अभी रखा है टेंशन लेके, कर क्या रहा है? वैसे मेरा फोन कहाँ है यार सिंचन, जरा अटैच कर गाने बजा जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया फोन तो यार मैं भूल गया, घर पे ही बेड पे डला। अबे यार पिद्दू से सिंचन कुछ तो काम कर लिया कर, अब गाने कैसे बजेंगे? और बिना फोन के मेरे को किसी काम का फोन आएगा तो कैसे उठाऊंगा? अरे फ्रैंकलिन भैया कोई ना, घर चल लो, अभी तो पास में ही है। ओ फ्रैंकलिन भैया तुमने मेरे से टेंशन नहीं पूछी, काय किया? अरे हाँ हाँ यार चौप बता दे तुझे काय की टेंशन हो रही है। अरे यार एक ही चीज की टेंशन है कि आजकल हमारा चैनल बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है, ना कोई देख रहा है, ना कोई लाइक करता है। अरे यार तू टेंशन मतलब, मैं उन लोगों से बोल देता हूँ। चलो गाइस फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, हम चलते हैं, पहले अपना फोन उठाते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया सॉरी यार गलती से भूल गया था। हाँ हाँ हर काम तो उससे गलती से ही तो होता है, जान मुझके थोड़ी तू कभी भूलता है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं गेम खेल रहा था, फिर वहीं पे लेटा था, वहीं पे फिर भूल गया। अरे कोई ना मैं उठा लेता हूँ, कहाँ है यार फोन, बेड पे तो दिख ही नहीं रहा। अरे ये डला है फोन उठा लेते हैं, लेकिन ये सामने क्या पड़ा है? अरे फ्रैंकलिन भैया क्या पड़ा है ऐसे बोल रहे हो? अबे सिंचन जो मैं सोच रहा हूँ अगर ये वो है ना तो बहुत खतरनाक चीज है। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसा भी क्या है? अबे ये क्रूज्ड फिंगर है, वो भी सुकूना की। अरे फ्रैंकलिन भैया उससे क्या होता? अबे ये वही फिंगर है जिसको कहा के सुकूना आता है यूजी तातुरी के अंदर। अरे फ्रैंकलिन भैया अब हम क्या करेंगे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, आप भी चलो मेरे साथ जल्दी से भाग चलते हैं। ये सुकूना की फिंगर आई है तो इट मीन सुकूना भी यही कहीं होगा हमारे आसपास, हमें बहुत मारेगा। अरे सिंचन तू टेंशन मत ले, काम करते हैं हम इस फिंगर को उठाते हैं, अपने घर से बाहर फेंक देते हैं यार, क्योंकि ये फिंगर अच्छी नहीं होती। अरे फ्रैंकलिन भैया तो जल्दी उठाओ और फेंको। अरे हाँ हाँ यार इसमें बहुत सारी क्रूज पावर होती है और बहुत बड़ा ऑरा भी होता है इसका, तो इससे बहुत ज्यादा क्रूज पावर अट्रैक्ट होती है, तो अपने घर में आ जाएंगी, जल्दी से इसे फेंक देते हैं बाहर। अरे फ्रैंकलिन भैया ठीक है जल्दी चलो। अरे हाँ हाँ जल्दी चल रहे हैं, टेंशन मत ले, चल रहे हैं यार, अभी बाहर फेंकते हैं इसको, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे फ्रैंकलिन भैया वैसे ये यहाँ पे आई कैसे? अबे मुझे नहीं पता ये कैसे आई यार, मैंने तो नहीं रखी, तू कोई टॉय तो नहीं लाया ना मुझे प्रैंक करने के लिए सुकूना की फिंगर जैसा? अरे फ्रैंकलिन भैया अगर मैं लाया होता तो चौबा को पता होती, उनसे पूछ लो। अबे चौबा ये फिंगर असली है कि नकली? ओ कौन सी फिंगर? फ्रैंकलिन क्या फेंक रहे हो? अरे सर आप यहाँ पे कैसे आना हुआ? सर मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे, मेरे को आपकी फिंगर मिली थी तो मैं आपको दे देता, ये लीजिए। फ्रैंकलिन मेरे डायमेंशन से कुछ फिंगर्स तुम्हारे डायमेंशन में आ गई हैं, और तुम तो जानते ही हो कि मेरी फिंगर कितनी जरूरी है मेरे लिए। अरे हाँ हाँ सर आपकी फिंगर आपके लिए बहुत जरूरी है, जल्दी से खा लो आपकी पावर बढ़ जाएगी। फ्रैंकलिन वो तो मैं खाऊंगा ही, लेकिन मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ तुम्हारे लॉस एंजेलिस में। अरे हाँ जी सर बताइए ना अपना काम। अरे रुक जाओ पहले तुम्हारे बच्चों को गायब कर दूँ। अरे उन्हें क्यों गायब किया सर, आप काम तो बोलो, अगर मैं नहीं करूँ तब गायब करना, प्लीज उन्हें वापस ला दो। अरे फ्रैंकलिन डरा रहा था, इतनी जल्दी मत डरो, तुम तो मेरे खिलौने हो, तुम्हारे साथ तो खेलने में मजा आता, बुला दिए तुम्हारे बच्चों को वापस। वैसे डील ये है कि जो फिंगर हमारी आई है यहाँ पे वो तो मैं ढूंढ नहीं है, और अगर ढूंढ के लाओगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अरे सर तो ये तो खा लो। अरे ये तो हमने खा ली, और जाके लाओ और हम खाएंगे, जब तक हम यहाँ पे बैठ के आराम से आराम करेंगे। तुम्हारे घर में टीवी तो है ना, मूवीज और कार्टून्स तो आते हैं ना? अरे हाँ हाँ सब आता है, अब चिल करके आराम करो, मैं सब लेके आता हूँ, ढूंढ के आप टेंशन मत लो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये सुकूना भैया तो हर बार आके अपना राज चलाते हैं अपने ऊपर। अबे वो सुकूना है, वो कुछ भी कर सकता है, ज्यादा मत बोल, अगर सुन लिया तो अपना गेम भी बजा देगा। ओ फ्रैंकलिन भैया हमें ऐसी जगह भेजा था जहाँ पे पूरे में भूती भूत थे। अरे यार सही बोले बंदर, मैं नहीं जाना चाहता वापस, जल्दी चल ले यहाँ से बाहर, भाग चलते हैं। अबे भाग के जाएगा कहाँ, नुबड़े जहाँ जाएगा वो तो वहाँ आ जाएगा, हमें उसकी फिंगर ही ढूंढ के देनी होगी उसे, अगर नहीं दी ना तो हमारा गेम बजा देगा। अरे यार वो सब तो ठीक है लेकिन ढूंढेंगे कैसे? अरे टोनी किस दिन काम आएगा, इसके पास सैटेलाइट है ना, उससे ढूंढ के देगा ना। ओ फ्रैंकलिन भैया लेकिन सैटेलाइट से कैसे ढूंढेगा? अबे वो टोनी की टेंशन है, उसकी टेंशन तू मत ले, अपन टोनी से बोल देते हैं, वो अपन को ढूंढ के देगा, उसके बाद अपन जिंदा बच जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो, चिल रहो, क्योंकि अगर हमें जिंदा बचना है तो फिंगर तो ढूंढनी पड़ेगी। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो हम ढूंढ ही लेंगे, टेंशन मत लो। अरे टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ढूंढ तो लेंगे ही।
अरे फ्रैंकलिन भैया, वैसे टोनी भैया कहाँ है? अबे यहीं कहीं होगा, ये है ना नूबला टोनी। अरे यार फ्रैंकलिन, समझ में नहीं आ रहा कैसे ऐसा ही करूँ, मेरे तो एलिवेटर खराब हो गई, तू कैसे आया यहाँ पे, क्या काम है? अरे टोनी भैया बहुत जरूरी काम है, तुम क्या कर रहे हो? अरे यार मेरी ये सूट के एलिवेटर खराब हो गई और ये कांच के गिलास भी खराब हो गए, कुछ काम नहीं कर रहा, मेरा जावेस खराब हो चुका है, समझ में नहीं आ रही क्या करूँ। अरे यार लेकिन मुझे तो जावेस से ही काम था। अरे कैसा काम था मुझे बता दो, वैसे मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया होगा। अरे क्यों आया होगा बताओ ना। और सुकून आया होगा तेरा से मिलना घर पे, क्योंकि यहाँ पे तीन लोगों से और भी आया था वो मिलना, वो भी मेरे पास आया था। अरे कौन तीन लोग, मुझे भी तो बताओ जरा। और फ्रैंकलिन तू भी जानना चाहता उनके बारे में? तो पहला आदमी जो मेरे पास आया था वो था डेडपूल, उसके बाद शायद हाँ हल्का आया था जो दूसरा आदमी था, फिंगर्स के बारे में पूछना, उसके बाद तीसरा आया था डूम्सडे आया था शायद, हाँ वो भी पूछ रहा था फिंगर्स के बारे में सुकूना के, तो मुझे पता है कि सुकूना के फिंगर्स कहाँ है और सुकूना आया लॉस एंजेलिस में। अरे तो टोनी भैया मुझे भी लोकेशन बताओ ना। अरे यार लेकिन मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, मैं सूट तो नहीं दे पाऊंगा, लोकेशन जरूर बता दूंगा। अरे सूट मुझे चाहिए भी नहीं, तुम टेंशन मत लो, उसकी मैं जुगाड़ कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, लेकिन फिंगर्स ज्यादा जरूरी है। अरे यार ठीक है सुकूना की उंगली तुझे चाहिए, इतना ज्यादा पसंद है तो चला जा, मैं तेरे को लोकेशन तेरे फोन पे भेज दूंगा, तू चिल करके जा और फिंगर उठा। अरे ठीक है थैंक यू यार टोनी भैया, तुम कभी तो सही काम करने आए काम पे। अरे यार ऐसा मत बोल। ओ फ्रैंकलिन भैया क्या हुआ, टोनी भैया ने क्या बोला? अबे उसको लोकेशन पता है और उसने मेरे फोन पे भेज दिया, हम चलते हैं फटाफट से लोकेशन पे और देखते हैं सुकूना की फिंगर्स कहाँ हैं। ओ फ्रैंकलिन भैया लेकिन और क्या बोला? और ये बोला कि सुकूना सिर्फ हमें नहीं डराया और तीन लोगों को भी डरा के गया है, जिसमें कि एक हल्क है, एक डेडपूल है और एक डूम्सडे है। तो चलते हैं पहले से फटाफट से अपनी पहली लोकेशन पर, देखते हैं वहां पे कौन मिलता है हमें लड़ने को, या फिंगर भी मिलती है कि नहीं मिलती, उन लोगों में से किसी ने उठा ली होगी तो दिक्कत ही हो जाएगी यार। चलो तो भाई हम पहुंच गए फटाफट से जहां जाना था, यहीं पे लोकेशन दिखा रही है, बस अब देखना है अभी यहां पे तो कोई है भी। अरे यार बंदर यहां पे तो डेडपूल है, मेरा फेवरेट है। हाँ हाँ तेरा फेवरेट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये डेडपूल का बच्चा यहां पे कर क्या रहा है, रुक जा थोड़ा पास से देखते हैं, मुझे लग रहा है कुछ खोजा भी नहीं करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक सो भाई, इसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली है सुकूना की फिंगर की, और ये इधर उधर ढूंढने में लगा है सुकूना की फिंगर और परेशान हो रहा है, क्या बोलता है चॉप? आओ फ्रैंकलिन भैया सही बोल रहा हूँ। अरे तो एक काम करते हैं हम इससे जाके मिल ही लेते हैं, अरे डेडपूल के बच्चे क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या ढूंढने में लगा है? अरे यार फ्रैंकलिन तू कहाँ से आया यहाँ पे, क्या कर रहा है? अरे मुझे भी सुकूना ने भेजा है। अरे यार उसने भी तुझे भी डराया क्या? मुझे भी उसने डराया है और धमकी दिया है कि अगर मैंने सामने से पहले उसकी तीनों फिंगर ला के नहीं दी तो वो गेम बजा देगा मेरा। अरे यार अब मैं एक बात बताऊं तुझे, मैं अभी वही लेने आया हूं और अब मुझे लेके जानी होगी वो चीज। अरे यार क्या लगता है मैं तुझे ले जाने दूंगा? अरे तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, दो हाथ कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन लेके जाएगा। अरे फ्रैंकलिन तुझे लगता है कि तू मुझे हरा लेगा? अगर ऐसा है तो आजा, दो हाथ कर ही लेते हैं और देख लेते हैं किसमें कितनी पावर है। वैसे भी मैं तो तुझे एक पंची में हरा दूंगा और बिना गन के हराऊंगा आज तो तुझे। अरे ठीक है तो फिर आजा। अबे तू तो आ ही गया यार, मारने भी लगा, रुक जा बताता हूँ तुझे, फर्स्ट पर्सन मोड में मारूंगा, अब बता कैसा लगा? आउच लग गई, लेकिन अब ले तेरे को मारूंगा मैं, ये ले मेरा मुक्का खा। अबे तुझे तो मैं मूवमेंट दिखा के मारूंगा, ले मेरा हाथ। अरे बाहर चला गया मेरा हाथ, रुक जाओ यार फर्स्ट पर्सन से बाहर आने, अब मारूंगा, ले एक और मौका का। आउच फ्रैंकलिन लग रही है, आउच फ्रैंकलिन यार, बस यार बस फ्रैंकलिन छोड़ दे। अबे यार ये डेडपूल का तो गेम बच गया, मुझे लग रहा है इसको चक्कर आने लगे। अबे ये तो बहुत पावरफुल बन रहा था, लेकिन इसका तो गेम 2-4 पंच में ही बच गया, और इसको तो दिन में तारे नजर आने लगे। भाई कैसा आदमी है, मैंने सोचा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। अब फटाफट से सुकूना की फिंगर देखने तो कहां चली गई यार। वेट अ मिनट, मुझे दिख गई फिंगर, वो रखी है पीछे, और ये नूबला डेडपूल फिंगर जाने कहां ढूंढने में लगा था। चलो इसको फटाफट से उठाते हैं और चलते हैं भाई हम अपनी दूसरी फिंगर की तरफ। 4 फिंगर्स हम दो चुके हैं ना, 2 फिंगर्स हो गई ना मेरे पास और 2 ढूंढने हैं, तो मतलब 4 फिंगर थी सुकूना की। सुकूना को ये भी नहीं पता भाई, मैं तो उसकी कमजोर होगी ना। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन मुझे एक आइडिया आ रहा है, मेरा आइडिया तो सुन लो। अरे सुना दे। अरे फ्रैंकलिन भैया सोचो हम ये डील करें अगर फिंगर्स की सुकूना से, उसके बदले में हम उससे कुछ मांग लें तो कैसा रहेगा? अबे सिंचन पागल तो
टोनी हो गया, बहुत मारेगा वो हमें, पता है ना वो कितना बुरा इंसान है। अजी फ्रैंकलिन भैया, पहली बात तो वो इंसान नहीं है, क्रूज्ड पावर है। हाँ वो एक क्रूज्ड पावर आत्मा, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो उसे, और वो बहुत बुरा मारता है, पता है ना तुझे, अभी पिछली बार चॉप बॉप से पूछ क्या हुआ था उनके साथ। आओ फ्रैंकलिन भैया, क्या कर रहे हो सुकूना था? अरे सर गलती हो गई आपको, मैं देख नहीं पाया बातों के चक्कर में। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा क्यों डरते हो मुझसे? तुमसे मैंने बोल रखा है ना कि तुम तो मेरे खिलौने हो, लाओ मेरी फिंगर दो। अरे हाँ हाँ सर रुक जाइए, एक सेकंड लीजिए आपकी फिंगर आपके लिए। फ्रैंकलिन तुझसे अच्छा नौकर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, तू तो सही में मेरा खिलौना है रे। अरे हाँ सर जो बोलो आपका तो वही हूँ मैं, खा लो से। अरे खाली फ्रैंकलिन, लेकिन आगे तू जा रहा है और वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग होंगे, ले तुझे भी एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, वैसे मैंने आज तक किसी को दिया नहीं लेकिन तुझे देता हूँ, रुक जा। फ्रैंकलिन मेरा छोटा सा गिफ्ट तेरे लिए, मैं मिलता हूँ बहुत जल्द तुझसे, और तेरी टीवी में बहुत अच्छे अच्छे शोज आते हैं, मैं तो दीवाना ही हो गया, और वो बबल भी, वो तो क्या टॉप की लगती है यार। अरे लेकिन ये गायब का हो गया अपनी अपनी बोल के यार, मुझे पूछना था कि मुझे सुकूना क्यों बनाया। अरे फ्रैंकलिन भैया बोला था ना उन्हें कि आगे की मुश्किलें बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, तो आपको भी पावर दे दी होगी लड़ने के लिए। यार जो भी दिया है अच्छा दिया है, जल्दी चलते हैं, जल्दी काम करते हैं, मैं नहीं जाता पिछली बार की तरह गायब होना। अरे यार तो चलो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है ह्यूमन लेबोरेटरी में। यहाँ पे इंसानों के मतलब बंदरों के ऊपर अलग अलग वो करे जाते हैं टेस्ट, और मतलब एक हिसाब से लैब है भाई साइंटिस्ट की, जहाँ पे अलग अलग टेस्ट करे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हल्क नूबड़ा है, लेकिन ये खड़ा खड़ा क्या कर रहा है बोटों की तरह? अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे लग रहा है ये पागल हो चुका है। मुझे भी वही लग रहा है ये पागल हो चुका है, अभी ये देख क्या रहा है? अबे मुझे लग रहा है अच्छा ऊपर सुकूना की फिंगर रखी हुई है, ये उसे देख रहा है। स्नूबड़े को इतना भी नहीं पता कि बगल से ऊपर जाके फिंगर उठा सकता है, ये उसे क्या देख रहा है यार? अरे हल्क भैया क्या हो गया, क्या देख रहे हो? सुकूना सर अभी क्यों कर रहे हो, अभी तो हल्क का टाइम खत्म भी नहीं हुआ, माफ कर दो गलती हो गई, आपकी फिंगर मैंने ढूंढ ली सामने ही रखी है। अरे डरो मत हल्क भैया, ये मैं हूँ यार फ्रैंकलिन। हल्क गुस्सा फ्रैंकलिन, हल्क को डराता है फ्रैंकलिन गंदा, हल्क फ्रैंकलिन से दोस्ती नहीं रखेगा। अरे हल्क भैया क्या करने आए हो? हल्क यहाँ फिंगर लेने आया है, आजा हल्क से दो दो हाथ करो अगर तुझे भी फिंगर चाहिए हो तो। अरे हाँ हल्क भैया मैं तो तैयार हूँ तुमसे दो दो हाथ करने के लिए। हल्क गुस्सा फ्रैंकलिन का मुंह तोड़ेगा हल्क, अभी देख फ्रैंकलिन के बच्चे तूने हल्क को चेतावनी दिया, अब हल्क तेरा गेम बजाएगा। हाँ हाँ हल्क भैया वो तो देखते हैं कौन किसका गेम बजाता है, जरा पावर से मिल कर लूं जो सुकूना ने मुझे दिए। हल्क को गुस्सा आ रही है, तेरा गेम बजाएगा हल्क। अरे रुक जाओ पहले मैं तुम्हारा गेम बजा लूं, उसके बाद फिर तुम मार लेना मुझे, ठीक है बारी बारी कर लेते हैं, लो मेरा मुक्का खाओ। हल्क को लग रही है, माफ कर फ्रैंकलिन हल्क जाएगा, छोड़ दे। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी मारा जाता है, पकड़ने के लिए मारा जाता है, यहाँ से निकल लो जल्दी। और भी कोई पावर है क्या? रुक जाओ ब्लास्ट ब्लास्ट की पावर भी है शायद, रुक जाओ इसको यूज करके देखता हूँ क्या होता है इससे। अबे यार क्या मस्त पावर है ये तो, बढ़िया सा गोला जाता है और पूरा फोड़ देता है। चलो कोई ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शाम होने वाली है, हमारे पास कितनी फिंगर हो गई है? हाँ हमने एक इकट्ठी कर ली, अब हमें सिर्फ दो चाहिए और जो कि एक सामने है, तो अब सिर्फ एक ही चाहिए। फटाफट से यहाँ से चलते हैं, पहले ये वाली फिंगर उठाते हैं, उसके बाद देखते हैं यार दूसरी फिंगर की लोकेशन भी मेरे पास है, लेकिन वहाँ पे कौन सी एनिमी ये तो पता करना पड़ेगा। वैसे वहाँ पे डूम्सडे होनी चाहिए क्योंकि तीसरा वही था। ये वाली फिंगर उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा टाइम वेस्ट ज्यादा हो और सुकूना सर को गुस्सा आ जाए, और अगर गुस्सा आ गई तो भाई मेरा क्या ही होगा यार, मैं तो सोच सोच के ही डर रहा हूँ। चल सिंचन यहाँ से चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलते हैं यार, सुकूना का टाइम खत्म होने वाला है जो उन्होंने दिया था हमको। सही बोल रहा है सिंचन, हमारे पास अब एक और फिंगर है और बस हमें लास्ट फिंगर चाहिए, तो टेंशन मत ले जल्दी आ जा। ओ फ्रैंकलिन भैया लास्ट फिंगर की लोकेशन कहाँ है? अरे वो फार्म के पास दिखा रही है, जहाँ पे अपने ताऊ का फार्म है, उसके बगल में वो एक घर नहीं बना था उसमें दिखा रही है। अरे यार जल्दी चल बंदर, लेकिन लास्ट टाइम वो घर जल गया था, तुझे पता है जब हम गए थे? अरे हाँ यार मुझे पता है, लास्ट टाइम मैंने गलती कर दी थी और वो जल गया था, और जो कि जला पूंजा घर हमारे सामने दिख रहा है। ओ फ्रैंकलिन ये तो और बुरी हालत में हो गया यार, किसी ने सही नहीं कराया उसको। कोई ना हमें क्या करना है, हमें तो अपनी फिंगर से मतलब है, फटाफट से अंदर चलते हैं और सुकूना की उंगली लाते हैं, कहाँ पे डली है। एक तो यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है यार, और फिंगर भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, ढूंढने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। अरे फ्रैंकलिन भैया काय की दिक्कत, अपन तो सब कर लेंगे। अरे हाँ सिंचन तू यहीं पे रुक, मैं देख के आता हूँ फिंगर कहाँ है, क्योंकि बहुत गंदगी है अंदर यार, तेरे पाँव गंदे हो जाएंगे। यहाँ पे वैसे है कौन? अबे ये देखो डूम्सडे यहाँ पे क्या कर रहा है, नूबड़ों की तरह फिंगर ढूंढने
में लगाया कचड़े में, क्योंकि भाई कचड़े में ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। एक काम करते हैं, इसको चल के पीछे से डरा देते हैं, ये भी डर जाएगा जैसे हल्क डरा था। चलते हैं फटाफट से। ए डूम्स के बच्चे यहाँ पे क्या कर रहा है? सुकुना मामू, तुम्हारा यहाँ पे केस आना हुआ, अभी तो मेरी टाइम लाइन का टाइम भी खत्म नहीं हुआ था, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी उंगली नहीं दूर पाया, मेरी को मत मारना। अरे यार डूम से डर मत, ये मैं हूँ फ्रैंक, मुझे जानता है ना, देखा होगा मुझे। अरे डूम मामू, मेरे को डरा दिया तूने, तेरे को तो बहुत मारूंगा। अरे देख रहे हो ना सुकुना, हूँ एक बार मैं काट दूंगा। अरे यार वैसे तू यहाँ पे आया क्यों है? अरे सुकुना आया था मेरे पास, मुझे उसकी फिंगर चाहिए। अरे यार मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ, तू अपनी फिंगर ढूंढ ले, मैं वैसे ही अपनी जान बचाना चाहता हूँ, एक नहीं मिली। अरे यार तो चलो, वो तो चला गया और हमने अपनी फिंगर ढूंढ ली जो कि लास्ट फिंगर थी। फटाफट से उसको उठाते और चलते हैं यहाँ से बाहर। पानी भी बरस रहा है यार, और हमें अब अपने घर भी जाना पड़ेगा क्योंकि सुकुना वहीं पे आराम कर रहा है, उनको टीवी पसंद आ गई मेरी। चल सिंचन चल रहे फटाफट से यार। और ये चॉप बॉप कहाँ गए और गाड़ी कहाँ गई? अरे फ्रैंकलिन भैया, पता नहीं कोई आया था मोटा सा आदमी, वो कूदा और गाड़ी हमारी गिर गई बगल में। अबे तो चॉप बॉप कहाँ है? अरे फ्रैंकलिन भैया, पता नहीं चॉप बॉप कहाँ है, ये आ गया अपना चॉप। ओ फ्रैंकलिन भैया यार, गाड़ी का तो बहुत बुरी हालत हो गई। अरे तुम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ ना, वो बॉब का बच्चा कहाँ है? अरे यार बंदर, मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, ले आ गया, अब बता क्या हो गया। अरे कुछ नहीं, चल सुकुना के पास चले। फ्रैंकलिन कहाँ जा रहे हो, लेट हो गए तुम आने में। अरे सर पानी बरसने लगा था, गलती हो गई। लो तुम्हारे लिए पानी बंद करा दिया और तुम्हें पहले जैसा भी बना दिया। अरे थैंक यू सुकुना भैया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके कोई काम आ सकूं। आप अपनी फिंगर खा लो और फटाफट से पावर बढ़ा लो। फ्रैंकलिन मैंने खा ली, याद रखना, लेकिन अगर मेरी और फिंगर आई तो मैं लौट के जरूर आऊंगा। अरे यार ये तो चले गए। अरे फ्रैंकलिन भैया, अपनी इतनी फटती क्यों इनसे? अबे क्योंकि वो किसी को भी चुटकी बजा के मार देता है। आओ फ्रैंकलिन भैया, अगर ये अगली बार आएगा तो क्या होगा? अरे मुझे नहीं पता क्या होगा यार। तब तक के लिए गाइज, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और बताना कि मैं क्या कर सकता हूँ सुकुना से बचने के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। I'm gonna go get some more.